सर कल हम जैसे ही ग्राम बंजारी पहुँचे, हमने सुपरवाइजर को फ़ोन किया कि हम लोग, हमारी टीम आ रही है, आप आशा को बोल दीजिए कि वो तैयार रहे मिले जाने के लिए। फिर जैसे ही आशा के घर पहुँचे, आशा ने उसके लड़के को पहले ही भिजवा दिया था कि सब लोग घर पर रहे, स्वास्थ्य विभाग की टीम आ रही है, तो आप लोगों की सबकी जाँच होगी, इसलिए आप घर पर ही रुकिए। तो इतने में वो लोग तो तैयारी करके बैठे थे, फिर आशा ने बोला कि मैडम यहाँ से गाड़ी नहीं जाएगी, अपने को पैदल जाना पड़ेगा, थोड़ा गली से अंदर उनका घर था। तो हम जैसे ही गली के अंदर पहुँचे, उनके घर तक भी नहीं गए थे और उन्होंने हम पे पत्थर मारना शुरू कर दिए। और वैसे ही मैंने उसको बोला कि भागो यहाँ से, बहुत गालियाँ दे रहे थे सब लोग, बहुत पत्थर मार रहे थे कि ज़बरदस्ती हमको परेशान करते हो, पॉजिटिव निकालते हो, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करने का वो ले रखा है। फिर मैं भागने लगे तो इतना बड़ा पत्थर था, उसने मेरे को मारा, वो तो भागी मैं तो मेरे सिर पे चोट नहीं लगी, मेरे पीछे लगी, जिसके कारण मैं गिर गई। गिरने से मेरे हाथ में बहुत बुरी तरीके से चोट आई है। और फिर उसकी लड़की ने मुझे पकड़ लिया, हाथ दोनों पकड़ लिए, वो NM थी, वो मुझसे पूछ रही थी कि तू होती कौन है यहाँ आने वाली, तू कोरोना के बारे में जानती क्या है, तेरे पास रिपोर्ट है? तो मैंने बोला आप बताने का मौका दोगे जब तो मैं बताऊँगी ना। तो उसने, और फिर वो श्रीराम मुझे छोड़ के इसके पीछे भागा और इसको पाइप से मारे, ये बुलाने की ड्राइवर को। आपने कहा कि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आपके साथ मारपीट हुई, वीडियो कहाँ है? वो वीडियो मुझे पता चला है कि बना है, लेकिन वो गांव वाले दे नहीं रहे। और ये गांव वाले आज इतने खड़े हैं, जब मुझे मारा जा रहा था, इसको मारा जा रहा था, एक ने भी उसको रोकने की कोशिश नहीं करी, सिर्फ हमारे ड्राइवर ने रोका। और हम तीनों ही लड़ रहे थे बस उससे, कोई गांव वाला तब सामने नहीं आया। हम भी तो महिलाएँ थी ना। हम यही चाहते हैं कि एक तो उनको ऐसी सज़ा मिले जिससे लोगों को मैसेज मिले कि आगे कोई भी हेल्थ वर्कर या पुलिस के साथ ये करने से पहले 10 बार सोचे, नहीं तो अभी ढील दे दी तो आज यहाँ हुआ, इसका देखे देखे दूसरी जगहों पे भी यही, क्योंकि लोग हर जगह चिढ़े हुए हैं, लोग इतने परेशान हैं कि वो सब जगह चिढ़े हुए हैं। और पुलिस को अगर सस्पेंड कर दिया तो आगे से वो भाग भी हमारे साथ नहीं आएगा, तो और वो फिर वो अब वो पीछे हटेंगे ना कि थाने में आइए, रिपोर्ट लिखवाइए। अगर वो 10 मिनट में हमारे पास नहीं पहुंचते, हमें वहाँ से छुड़वा के नहीं सुरक्षित लाते, तो वो तो हमको वहीं मार डालते। आपको क्या लगता है, प्री प्लान था क्या? हो सकता है कि प्री प्लान हो, नहीं तो कोई कहीं भी हम घर जाते तो पहले हमसे बात करते हैं ना, उन्हें तो हमसे बात करी भी नहीं, हम देख भी नहीं पाए, हम पे पत्थर आने शुरू हो गए। आशा का लड़का पहले ही जाके बोल आया था ना, तो उन्होंने तब से ही तैयारी करके रखी। आगे आप लोग ड्यूटी करेंगे कि नहीं करेंगे? आगे हम ड्यूटी करेंगे, लेकिन हमें पूरी सुरक्षा या हमको पूरा पहले विश्वास दिलाना होगा आप लोगों को। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।